नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो लगभग कोई भी आपको नहीं बता रहा। जो गोदी मीडिया और बाकी जो मीडिया लगा हुआ है ना, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो आकाश बनर्जी हो, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो द वायर हो, द क्विंट हो, जितने भी न्यूज़ मीडिया चैनल्स चल रहे हैं ना, चाहे वो बरखा दत्त हो, ये लोग बोलते हैं कि हम सरकार से सवाल पूछते हैं, हम सही चीज़ें बताते हैं और बाकी जो मीडिया है सब झूठा है। मैं आपको आज रियलिटी पर लेके जाता हूँ, प्रूफ के साथ बताऊँगा। ऐसे नहीं कि मैं आपको सिर्फ फेंक रहा हूँ या झूठी झूठी चीज़ें बताऊंगा। मैं पहले बता देता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है, कमलनाथ की सरकार। पिछले एक साल से ये सरकार है, लगभग एक साल हुआ जा रहा है इस सरकार को, और एक साल में एक वैकेंसी नहीं निकाली है कमलनाथ की सरकार ने। पिछले साल, पिछले पूरा एक साल निकल गया जिसमें कांस्टेबल की भर्ती निकलनी थी, जिसमें MPSI की भर्ती निकलनी थी, जिसमें पटवारी की भर्ती निकलनी थी, जिसके अंदर MPPSC जो कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसकी भर्ती निकलनी थी, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर जो कि TO टीचिंग की पोस्ट है उसकी वैकेंसी निकलनी थी, व्यापम सब इंजीनियर जो एग्जाम होता है उसकी वैकेंसी निकलनी थी, और SEAE एग्जाम जो होता है जो कि ग्रेजुएट के लिए होता है इंजीनियरिंग के, वो वैकेंसी निकलनी थी। एक भी वैकेंसी नहीं निकली है इनमें से। और पिछले लगभग 6 महीने से हम कंटिन्यू लेटर लिखते जा रहे हैं रवीश कुमार जी को, चाहे वो आकाश बनर्जी हो, चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे वो द वायर हो, दो क्विंट, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि हम एजुकेशन को लेके अवेयर कर रहे हैं, BJP नहीं करती है। इसलिए ना कांग्रेस की सरकार है मध्य प्रदेश में, ये लोग सिर्फ इसलिए पिछले 6 महीने में हम 500 से ज़्यादा इनको एप्लीकेशन दे चुके हैं, इनके एड्रेस पे हम मेल कर चुके हैं, इनके हम जहाँ पे इनका ऑफिस है वहाँ पे इनको बाय पोस्ट भेज चुके हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं दिखाया। रवि अभिषार शर्मा, इनको भी हमने बहुत सारे पोस्ट किए लेकिन इन्होंने भी एक भी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे BJP की सरकार होती तो ये अभी तक दिखा देते, कांग्रेस की सरकार इसलिए इन्होंने एक बार भी दिखाना जरूरी भी नहीं समझा। हम लोग बैठे हुए हैं पिछले लगभग एक साल से कि वैकेंसी आएगी वैकेंसी आएगी। हम लोग एक टाइम होता है ना यार, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। एक उम्मीद थी कि यार चलो रवीश कुमार जी हैं यार, ये प्राइम टाइम में दिखा, ये नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ वहां दिखा रहा है जहाँ BJP की सरकार है। कांग्रेस होती वहां का ये दिखाते तक नहीं है, वहां की न्यूज ये उठाते तक नहीं है। असली बिकाऊ ना तुम लोग हो। पिछले एक साल से तुम्हें 500 से ज्यादा लेटर पहुंच चुके हैं, मिल नहीं रहे, ईमेल नहीं मिल रहा तुम्हें, और कोई पूरे ऑल ओवर इंडिया से नहीं आ रहा, ये एक प्रदेश का है मध्य प्रदेश। 700 से ज्यादा, 7 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, माफ करना, 7 करोड़ से ज्यादा की आबादी है मध्य प्रदेश के अंदर, और इन लोगों ने एक बार भी नहीं जरूरी समझा यार, एक बार ये उठा लेते इस चीज को। इसके अलावा मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, हमारे इधर किसान बहुत सारे हैं गाँव में, इन लोगों को लेटर पहुंचाए कि ठीक है यार आप इस मुद्दे को मीडिया में उठाओ, मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल नहीं देख रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कर्ज माफी नहीं हुई किसानों की 3 दिन के अंदर हम CM बदल देंगे। एक साल होने वाली है, अभी तक सिर्फ ऑन पेपर हुआ है, किसी का 10 रुपये माफ है, किसी का 20 रुपये, किसी का 25 रुपये, किसानों के बिल माफ नहीं हुए और हम इनको लिख लिख के परेशान है, लेकिन एक बार भी इन्होंने जरूरी नहीं समझा इस मुद्दे को उठाना। क्यों? क्योंकि असली बिकाऊ लोग हैं ना, BJP होती तो अब तक उठा देते। हमने इनको एक और रेप केस हुआ छतरपुर में, वो लिख के दिया, किसी ने नहीं उठाया, अभिषार शर्मा ने उस केस को लिया, लेकिन किस तरीके से लिया आप उनके चैनल पर जाके देखना, वो मुद्दा उन्होंने उठाया है जो रेप केस हुआ। कांग्रेस की सरकार पावर में है मध्य प्रदेश के अंदर, शिवराज सिंह चौहान जो अपोजिशन में है, पूर्व मुख्यमंत्री BJP से, उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट किया कि ये शर्मसार है, इस तरह की घटना हमारी बेटियों के साथ हो रही है। अभिषार शर्मा ने वो ट्वीट के ऊपर वीडियो बनाया, उन्होंने वो बोलते कि कांग्रेस की तो कोई गलती नहीं है ना, कांग्रेस का तो हक बनता है रेप केस के ऊपर बिल्कुल कोई एक्शन ना लेना। जो सरकार अपोजिशन में है उसका फर्ज बनता है कि वो रैलियां निकाले, वो सारी चीजें करे, जो सरकार में है उसका कोई फर्ज नहीं बनता, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे उसका फर्ज नहीं बनता। उन्होंने इवन एक बार भी कमलनाथ का नहीं कहा कि उन्होंने ट्वीट नहीं किया, वहाँ की महिला सशक्तिकरण मंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया, वहाँ के MLA ने कोई ट्वीट नहीं किया, सांसद ने कोई ट्वीट नहीं किया, BJP की तरफ से ट्वीट भी हुआ लेकिन उन्होंने उस पर भी BJP को घेरा कि अपोजिशन में उनकी गलती है। UP में रेप केस हुआ, पूरा का पूरा योगी आदित्यनाथ की गलती है, उसमें अपोजिशन का कोई हाथ नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई हो रहा है तो वो सरकार में उसकी गलती नहीं है, वो अपोजिशन की गलती है कि अपोजिशन क्यों नहीं बोलता, सरकार कुछ ना बोल रहे उसके ऊपर, कोई एक्शन ना ले उसके ऊपर, इनको कोई दिक्कत नहीं। मतलब रेप केस में आता है तो BJP और कांग्रेस में इन्होंने बांट दिया उस चीज को, अगर हमारी एजुकेशन के बारे में तो इन्होंने उसको बांट के रख दिया, और अगर किसानों का तो इन्होंने बांट दिया। एक भी किसान की न्यूज दिखाते हैं, ये किसानों के लिए इतना बोलते रहते हैं ये हो रहा है किसानों के साथ, वो हो रहा है, मध्य प्रदेश की न्यूज क्यों नहीं दिखा रहे? सबसे ज्यादा किसान मध्य प्रदेश में, कर्ज माफी नहीं हो रही, अब थोड़ी मर रहे हैं किसान, किसान तो तभी मर रहे थे जब BJP की सरकार थी, अब कांग्रेस आ गई तो अब तो इन्हें मतलब ही नहीं, ना स्टूडेंट से मतलब है, ना इनको किसानों से मतलब है, ना किसी महिला से मतलब है, इन्हें सिर्फ अपनी TRP के लिए रो रहा है, पैसे ठूस के बैठे हैं ये कांग्रेस की तरफ से।
इसलिए एंटी बीजेपी दिखाने में लगे, इनको कोई मतलब नहीं। अगर मतलब है तो मैं कहता हूँ कि जवाब दो, और आप लोग इस न्यूज़ को उन तक पहुंचाओ ना। मैं कहता हूँ ठीक है, नहीं पहुंच रहे लेटर, नहीं मिले ना तुम्हें लेटर, ठीक है भाई, सब गलती हो गई हमारी, हमने आप पे विश्वास कर लिया कि आप सच्ची न्यूज़ दिखा रहे हो, असली बिकाऊ मीडिया, जय हिंद। तुम्हें बिल्कुल सल्यूट है कि तुम जो कर रहे हो ना बेटा, भुगतोगे इस चीज को, तुम जो दिखा रहे हो ना कि गोदी मीडिया और ये, वो कुछ नहीं है, वो कम से कम इतना तो दिखा। मेरे को मतलब नहीं, ना बीजेपी से मतलब है, ना मेरे को कांग्रेस से मतलब है, तुम लोगों के ऊपर जितना तुम दिखा रहे हो ना गोदी मीडिया एंटी, तुम्हारी टीआरपी नहीं आ रही इसलिए तुम ना रोते हो साले, दिखाओ ना। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है नहीं पहुंचा, अब मैं बता रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश में 1 साल से वैकेंसी नहीं निकली, बताओ दिखाओ न्यूज, क्यों नहीं दिखा रहे हो? नहीं हुए किसानों का कर्ज माफ, हटाओ ना सीएम को, क्यों नहीं हटा रहे? कोई दिक्कत नहीं है, सड़कों की हालत देख लो, एक दिन में जो सड़कें डल गई थी ना, तीन तीन, अब वो सड़कें खुद ही पड़ी, अब डल नहीं रही है, एक भी सड़क नहीं डल रही है, एक भी एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। आपको कोई मतलब नहीं है, आप ना सिर्फ अपना बिकाऊपन दिखाओ। और जो गोदी मीडिया बोलते हैं ना, तुम तो इस लायक नहीं हो, तुम्हारी तो औकात नहीं है इस लायक बोलने की, तो बोलो ही मत। मैं पूरों का नाम लेता हूँ ना, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे अभिषार शर्मा हो, चाहे वो आकाश बनर्जी हो, चाहे वो द वायर का हो, उस द वायर से घटिया तो कुछ है ही नहीं है यार। एक और मैं मुद्दा अभी हाल ही का बता देता हूँ, मेरे को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको नजरों में लाने के लिए बता देता हूँ। ये बोलते हैं कि हम इमरान खान पे क्यों बात करें, पाकिस्तान के हाउडी मोदी हुआ अमेरिका में, ठीक है, मोदी ने बोला एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, जब पूछा हाउडी मोदी कि भारत में सब अच्छा चल रहा है, तो इमरान खान ने अभी बयान दिया हम ये हमला करेंगे, इनको नहीं, कितने कि इमरान खान ने मोदी की बेइज्जती करी, देखो मोदी ने झूठ बोला, मोदी को ये नहीं बोलना था कि सब अच्छा, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो ये जाके बोलता है भारत में सब बेकार चल रहा है, बर्बाद होने की कंडीशन पे, कोई इन्वेस्टमेंट मत कर देना, कोई कुछ मत कर देना भारत में, तो कोई आ मत जाना, क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये एक्सपेक्ट करते हो, वो दिखा रहे हैं कि सब ठीक है, ये कश्मीर की न्यूज़ लाके दिखाते हैं गलियों में ढूंढ ढूंढ के। तुम गली में ढूंढ के तुम्हें कश्मीर की न्यूज़ मिल रही है? 7 करोड़ की जहाँ आबादी है वहाँ पर किसानों की कोई कर्ज माफी नहीं है, 1 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं है, उसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं है, कुछ भी न्यूज़ नहीं दिखाओगे? मध्य प्रदेश में अभी आतंकवादी पकड़ा है, कोई न्यूज़ नहीं दिखाएंगे उसकी, क्यों? एक और अभी न्यूज़ इन्होंने पकड़ी है, डॉक्टर काफिल खान जो भी इनका एक नाम है, पूरे मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे अभिषार शर्मा हो, स्पेशल एक बुलेटिन बनाई है इन्होंने, स्पेशल न्यूज़ उन्हीं के लिए, एक इंसान के लिए न्यूज़ बना दी इन्होंने, लेकिन पूरे के पूरे 7 करोड़ की जो आबादी है, जिसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, इसमें सबसे ज़्यादा 1 साल में, जो पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा कांग्रेस, इन्हें पूरे इंडिया की बेरोजगारी दिख रही, मध्य प्रदेश की बेरोजगारी नहीं दिख रही, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। अगर यहाँ पे बीजेपी होती तो ये आके बिल्कुल आपको दिखाने लगते। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि इनको भी मत देखो, अगर वो मीडिया बिका हुए ना, वो कम से कम दिखाया तो डॉक्टर काफिल का दिखाया, जो लोग बोल रहे हैं ना कि उन्होंने कहीं नहीं दिखाया, मेरे को एक मीडिया फुटेज दिखाओ जिसमें उन्होंने बोल दिया कि अपराधी, उन्होंने बोला अपराधी है कि नहीं ये हमें देखना है, और देखते हैं हम रिपोर्ट में क्या होता है, लेकिन नहीं, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया नहीं नहीं ये तो गलत है, मतलब होना ही नहीं चाहिए। 2008 में दिग्विजय सिंह का बयान आया कि बाटला हाउस में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो उठा देते हैं। अब क्यों नहीं उठा रहे ये सारे के सारे मुद्दे? क्योंकि ये सीधे के सीधे पैसे खा के बैठे कांग्रेस की तरफ से, और अगर है दम तो आप दिखाओ इस न्यूज़ को, और आप लोगों का फर्ज बनता है कि इसको शेयर करो, मैं नहीं बोलता लाइक करो, क्या करो, मेरे को मतलब भी नहीं है सब्सक्राइब वगैरह, तुम बस इस चीज़ को शेयर करके इन तक पहुँचाओ कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, लोगों तक पहुँचे कि कांग्रेस की सरकार जहाँ पर है वहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिर्फ बीजेपी को अकेले घेरे हुए ना, ऐसा नहीं है, ये असली बिकाऊ लोग हैं, जो एक शब्द नहीं बोल पाते कांग्रेस के आगे, इतना इसे बोलते हैं बिकाऊपन। कि तुम्हें मतलब 7 करोड़ की आबादी के 1,000 लेटर किसानों के जा चुके हैं, इनको किसानों के इन्होंने एक न्यूज नहीं दिखाई, बदवाएं लगेंगी तुम्हें, अभी तो टीआरपी नीचे जाएगी ना, बंद होगा तुम्हारा चैनल, और जो स्टूडेंट की नहीं दिखा रहा ना उसकी भी तुम्हें बदवाएं लगेंगी, जो बिकाऊपन तुम दिखा रहे हो ना असली मीडिया, तुम बिके हुए हो, तुम सिर्फ कांग्रेस के नहीं, तुम पाकिस्तान के बिके हुए बैठे हो, जो हर चीज़ में तुम उनके सपोर्ट में जाके बोलते हो, और जो जहाँ पे चीज़ें होती हैं उनको तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। 500 स्टूडेंटों के लेटर तुम्हें नहीं मिल रहे हैं 6 महीने से कंटिन्यू, 6 महीने से कंटिन्यू तुम्हारे किसानों के लेटर नहीं मिल रहे, तुम्हें एक केस मिला जो अभिषार शर्मा ने उठाया लेटर के थ्रू, लेकिन उन्होंने भी क्या उसमें बीजेपी को दिखा दिया, कांग्रेस की उन्होंने भी बुराई नहीं करी। अब जाओ यार, बस इतना बोलूंगा कि इसको शेयर कर दो यार, लोगों तक बताओ कि ये लोग किस तरीके से बिल्कुल एक एजेंडा फैला रहे हैं, और बिके हुए किस तरीके से बैठे हैं कि इनको मतलब 7 करोड़ की आबादी वाले एक प्रदेश की कोई चिंता नहीं है, इनको सारी चिंता सिर्फ कश्मीर की लगी पड़ी है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। जाओ यार, मतलब प्लीज यार इसको शेयर कर देना प्लीज़।